ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक से बढ़कर एक कार कंपनियां अब कम से कम बजट में अपनी गाड़ियों को निकालने में लगी हुई है। इसी मुहिम में देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी अब अपनी एक लेटेस्ट जनरेशन गाड़ी के साथ मार्केट में धमाल मचाने के लिए रेडी है। मारुति सुजुकी अब सभी भारतीय ग्राहकों के लिए एक शानदार खुशखबरी जल्दी ही लेकर आने वाली है। जी हाँ, कंपनी की ओर से घोषणा हुई है कि कंपनी एक ऐसी कॉम्पैक्ट और किफ़ायती गाड़ी लेकर आ रही है जो कि आम आदमी के बजट के अंदर तो रहेगी, साथ ही दोस्तों दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और लेटेस्ट 2022 फीचर्स के साथ वैस और बेहतर माइलेज के साथ आपको देखने को मिलेगी इस बढ़ती महंगाई के अंदर। इस गाड़ी का नाम तो आपने पहले सुना ही होगा और इस गाड़ी को अब आप नए अवतार में भी देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की आने वाली न्यू जनरेशन आल्टो के नए मॉडल के फेसलिफ्टेड के बारे में। जी हाँ, मारुति सुजुकी ने घोषणा कर दी है कि वे अपने आल्टो के न्यू जनरेशन मॉडल को अब एक नए अवतार में एक नए रंग रूप विकल्प में फिर से भारतीय सड़कों पर उतारने के लिए तैयार है। इस गाड़ी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और ये गाड़ी अब अपने प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी है। कंपनी ने इस गाड़ी का डिजाइन इस बारी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ये गाड़ी इस बारी शानदार क्रॉसओवर और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के टच फील के साथ आएगी जो आपको बैठने में एक एसयूवी की स्पेस देगी, साथ ही फीचर्स वाइज भी लेटेस्ट होने वाली है, साथ ही बेहतर माइलेज के साथ आएगी। और ये गाड़ी वही पुरानी कीमत में आपको 4 से 6 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगी जो कि आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सकेगा। और कंपनी ने इसने कम प्राइस सेगमेंट में इतनी बेहतर गाड़ी बना दी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये गाड़ी लॉन्च होते ही तहलका तो क्या, सारी गाड़ियों का कॉम्पिटिशन ही खत्म कर देगी। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, मारुति की आने वाली ये न्यू जनरेशन आल्टो इस बार कुछ ऐसे जबरदस्त डिजाइन के साथ आने वाली है जो कि सारे ग्राहकों के होश उड़ा देगी। गाड़ी में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का लुक देखने को मिल सकता है जिसमें गाड़ी के फ्रंट में आपको एक नए अंदाज का सुजुकी लोगो, एक नई सिग्नेचर क्रोम प्लेटेड फ्रंट ग्रिल का एक नया लुक नजर आएगा जिसमें आपको ईगल आई प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स में DRL सेटअप नजर आएंगे। नीचे की तरफ आपको साइड टर्न इंडिकेटर और नए डुअल टोन फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाएंगे। रियर साइड पे आपको शानदार स्पोर्टी LED टेल लैंप सेटअप और सुजुकी के लोगों के साथ आल्टो की बैजिंग देखने को मिल सकती है। वही साइड प्रोफाइल में आते हैं तो इसमें आपको ब्लैक साइड कास्केडिंग और 12 से 13 इंच के अलॉय व्हील्स का शानदार सेट देखने को मिलेगा जो कि फुल्ली क्रोम प्लेटेड और इस गाड़ी के लुक को बेहतर दिखाने में मदद कर रहा है। ये गाड़ी इस बारी बेहतर बड़े साइज, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और बड़े व्हील बेस के साथ नए डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ नए क्रोम स्कीम में आएगी जो कि इस गाड़ी के ओवरऑल लुक को एक क्रॉसओवर एक एसयूवी का मेल देते हुए एक शानदार लुक दे रहा है। वही दोस्तों, बात करते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स के बारे में, तो ये गाड़ी अब पहले से ज़्यादा स्पेशियस और इंटीरियर में बेहतर हो चुकी है। इसमें आपको 5 से 6 सीटर डुअल टोन लेदर फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिलेगा जिसमें आपको फुल्ली लेदर रूफटॉप, शानदार पैनोरामिक सनरूफ, एक पावर स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और एक ड्राइवर हेडअप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और स्मार्ट पे इंफोटेनमेंट के तौर पर कंपनी इसमें आपको सेंटर कंसोल टच स्क्रीन सुजुकी सिस्टम देगी जो कि 20 इंच की स्क्रीन के साथ आएगा जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड और ईयरफोन्स के कंट्रोल्स, सारे आप अपनी वॉइस कमांड या तो फोन के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक AC, एयर प्यूरीफायर, कीलेस एंट्री और कई सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आने वाली है। इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD और शानदार सेफ्टी फीचर्स नजर आएंगे जो कि गाड़ी के आपके सफर को प्रीमियम और एक शानदार लग्जरी फील देंगे। और अंत में आते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस और इंजन में, तो कंपनी ने इस बार की आने वाली न्यू जनरेशन आल्टो में खासा माइलेज का ध्यान रखा है। इसमें आपको कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस नया 1.2 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन देखने को मिलेगा जो कि 90 HP की पावर और 140 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने की क्षमता रखता है। ये गाड़ी 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और एक शानदार CNG किट इंजन के साथ आएगी जो कि 40 से 45 का माइलेज तो आराम से दे देगी 1 किलोमीटर में। इस बढ़ती महंगाई में आपको इतने शानदार माइलेज देने वाली गाड़ी तो कहीं नहीं देखने को मिलेगी, पर ये गाड़ी अब लॉन्च के लिए अपने रेडी हो रही है और इस गाड़ी का लॉन्च कंपनी अगले महीने के आसपास पूर्ण रूप से बता रही है। तो दोस्तों, अपनी राह में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको आल्टो का नया अवतार कैसा लगा, क्या आप इसको लॉन्च होते ही खरीदना चाहेंगे। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।